हापुड़ से ऐसी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है कि आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां एक महिला ही महिला की दुश्मन बन गई सिर्फ मामूली सी बात पर। जैसे ही ये घटना सामने आई इलाके में हड़कंप मच गया, लोग भी जानकर हैरान हो गए। यहां देवरानी ही अपनी जेठानी की हत्यारिन बनी, इसके बाद पूरी घटना को खौफनाक अंजाम दिया। भले ही कानून की आंखों में पट्टी बंधी हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून अंधा होता है। कानून की नजरों से कोई छिप सकता है पर बच नहीं सकता। ऐसा ही यहाँ भी हुआ। दरअसल एक देवरानी खुशबू ने अपनी जेठानी प्रियंका को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने उधार दिए 20,000 रुपए का तगादा किया था। खुशबू ने प्रियंका से अपनी छोटी बहन को उधार दिलाए थे जिसका तगादा करने पर इस खूनी खेल को अंजाम दिया गया। ये महिला प्रियंका है जिसकी कल डेड बॉडी मिली थी। उक्त संबंध में घटना का अनावरण थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा कर लिया गया है तथा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अभियुक्त अमन अभी गिरफ्तारी हेतु शेष है। घटना का कारण जैसा कि विवेचना में आया है पैसों को लेन देन को लेकर के था। मृतका प्रियंका की देवरानी खुशबू, उसकी बहन राखी, चाचा महिपाल और भाई अमन द्वारा मिलकर के ये घटना कारित की गई। खुशबू ने इस हत्याकांड में अपनी बहन राखी, भाई अमन और चाचा को शामिल किया। फिर प्रियंका को मिलने के बहाने बुलाकर चारों ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, गुनाह को छिपाने के लिए उन्होंने लाश को एक बोरे में भरकर रेत में छिपा दिया था। पर सुबह जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी अमन की तलाश जारी है। आरोपियों से पूछताछ में मामले का खुलासा हुआ कि आखिर इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया। अब मामले में आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है और आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद आरोपियों को जेल भेजा गया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।